नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के। फतेहपुर जिले के खागा कस्बे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रयागराज झांसी स्नातक चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रही खागा नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता सिंह, मुख्य अतिथि डॉक्टर देवाशीष पटेल, विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक कृष्णा पासन, जिला कार्यकारिणी सदस्य शोभा अग्रवाल, संघ के रामबाबू गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवचंद शुक्ल और तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोगों को बताते चले कि स्नातक MLC चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं, यहां से दिल्ली की सीट का रास्ता तय होता है और MLC का चुनाव 1996 से डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा लगातार जीतते चले आ रहे हैं और एक बार फिर जनता मन बना रही है कि पुनः MLC चुनाव यज्ञदत्त शर्मा के पक्ष में होने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है। आइए सुने क्या कहा लोगों ने। MP यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरा मैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं सभी करते हुए हैं, हम सब लोग दिन रात एक करते हैं और अपने क्षेत्र की प्रतिष्ठा के लिए पूरे जिले में सबसे अच्छा हमारी विधानसभा हो, इसके लिए मैं सब लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। यज्ञदत्त शर्मा जी ने अपनी पार्टी की उस विधान परिषद में जो पहचान बनाई, अपने विचारों को जो दृढ़ता के साथ उन्होंने वहां पर रखा, आज प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है और स्पष्ट रूप से देश राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ चला है। जो भी तुष्टिकरण की नीतियां देश में कांटे बिखेरने का काम करती थी, उन एक एक कांटों को निकालने का कार्यक्रम हमारे माननीय मोदी जी योगी जी द्वारा किया जा रहा है। आपके समक्ष धारा 370 और समान नागरिक संहिता के रूप में तमाम ऐसे मुद्दे आए जिन पर जोरदार और स्पष्ट तरीके से राष्ट्रवाद के लिए देश आगे बढ़ चुका है। मैं आप लोगों से केवल हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि जितने हमारे स्नातक के वोटर हैं, आप लोगों के वोट से ही, क्योंकि आप लोग गुरु हो और यज्ञदत्त शर्मा जी इसी विधानसभा के अभी तक अच्छे मतों से विजयी होते थे, इस बार पार्टी और आप लोग जो पहले लगते थे जिस तरीके से, उसी तरीके से आप लोग लगे हुए हैं सभी लोग, तो इस बार ज्यादा मतों से जीतना चाहिए, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। मुझे 20 साल पहले का याद है, जब MLC का चुनाव हुआ था तो स्नातक भूरे नहीं मिल रहे थे। उस समय 4 महिलाएं BA पास थी, एक तो महेश्वरी जी की भाभी थी, एक मैं थी और 2 महिलाएं और थी, ऐसा मुझे याद है, सही है ना विधायक? लेकिन आज समय ये आया है कि हर घर में अब ऐसे विद्यालय प्रदेश में खुल गए हैं कि 18 वर्ष से 20 साल का कोई भी बालक बालिका ऐसा नहीं है जो स्नातक न हो। और आज हमारे सामने स्थिति ये है कि अब हमें यदि जरूरत से ज्यादा वोट न मिले और हमारी विधायिका जी, हम सभी लोग इस कदम सम्मेलन में लेने पर और वोट मांगने में लगे हुए हैं क्षेत्र में कि अब तो हमारी जीत ही सुनिश्चित है और वोट न मिलने का प्रश्न ही नहीं है। हमारी पार्टी तन मन धन से शर्मा जी के साथ है और हमारी पहले से ज्यादा वोटों से जीत। जनता पार्टी के हर एक घोषणा पत्र में लिखा रहता था कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो 370 हटाएंगे। मुझे याद है 2014 से 2019 के बीच में हम लोग कहा करते थे, यार हमारी सरकार हो गई लेकिन हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम 370 नहीं लागू कर पा रहे, हम CAA हटाना चाहते थे हम उसको नहीं हटा पा रहे, हम राम जन्मभूमि के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। उसकी सिर्फ यही एक वजह थी कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था। विधान परिषद में 100 में कोई भी बिल पास कर रहे थे, आधा बहुमत 50 के ऊपर हमारे विधायक होने चाहिए, वो नहीं है। इसीलिए जो अभी शिक्षक और स्नातक के 13 चुनाव हो रहे हैं
उन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। खाली यही फतेहपुर नहीं है, 13 जगह है जहां पे चुनाव हो रहे हैं और उनमें अपने प्रत्याशी खड़े किए गए। हम पार्टी ये चाहती है कि इन 13 में अच्छे 13 के 13 या 10-12 के आसपास हम जीते, जिससे विधान परिषद में हमारा बहुमत बढ़े।